हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो टेक्स्ट का वर्क होता है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी आप फिफ्थ क्लास से सिक्स क्लास में आए हो, फिफ्थ क्लास तक आपने जो भी इंग्लिश बुक पढ़ी हो, लेकिन सिक्स क्लास में ये NCERT की बुक है जिसका नाम हनी सकल है। ये हमारी टेक्स्ट बुक है, ये हमें पढ़नी है अब। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए कि इसमें क्या है। एक्चुअली यहाँ पर आपको जो पार्ट्स दिए गए हैं लेसन के, वो यूनिट के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको यूनिट वाइज सिलेबस होगा, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ यूनिट वन से लगा करके थ्री तक दिया गया है। दिस इज़ द यूनिट 1-3। इट मीन्स फर्स्ट वाली यूनिट में आपको वन लेसन और वन पोएम है। आपके लेसन का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, और सेकेंड जो है वो आपकी पोएम है अ हाउस अ होम। तो इस तरह से एक लेसन और एक पोएम मिला करके एक यूनिट कम्प्लीट होती है। फिर सेकेंड यूनिट आती है आपकी, फिर थर्ड यूनिट आती है आपकी, देन फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से 10 यूनिट है, और पूरी 10 यूनिट्स में एक लेसन एक पोयम, एक लेसन एक पोयम। कहीं पर अगर कोई लेसन अगर ज़्यादा बड़ा आ जाता है तो उस वाले यूनिट में फिर आपको पोयम नहीं दी जाती है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर बुक। ये आपकी बुक का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टडी। आपका सबसे फर्स्ट वाला जो लेसन है, हु डिड पैट्रिक होमवर्क, तो इस वाले लेसन में क्या हुआ? देखिए, हम क्या करेंगे कि हम लेसन्स को ऐसे समझेंगे जैसे हम कोई स्टोरी समझ रहे हैं, तो उससे आप लोगों को ये समझने में ईजी होगा। इस वाले लेसन में एक बच्चा है जिसका नाम पैट्रिक है, और पैट्रिक जो है वो, उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल शरारती बच्चा है वो, उसे डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं है, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके होमवर्क करने के बजाय वो खेलना, वीडियो गेम खेलना और हॉकी खेलना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, उसका एक पैट भी है, उसके पास एक पैट है, कैट है, जो कि एक कैट है उसके पास। अब देखिए हुआ क्या कि एक दिन उसकी कैट जो होती है वो किसी के साथ खेल रही होती है, एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही होती है। ऐसा पैट्रिक को लगता है कि मेरी कैट जो है एक डॉल के साथ खेल रही है, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता है तो वो एक डॉल नहीं होती है, वो एक ऐसा छोटा सा टाइनी मैन होता है, छोटा सा एल्फ होता है, मतलब कि छोटा बोना आदमी, जिसको कि एल्फ कहा जाता है, छोटा सा फरिश्ता, तो ये होता है वो। और वो जो एल्फ होता है वो चिल्लाते हुए पैट्रिक से बोलता है कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। पैट्रिक उसकी मदद करता है, तो फिर वो एल्फ उसको बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा, कोई भी एक विश जो है वो पूरी कर दूंगा। तो पैट्रिक उसकी हेल्प करता है। ठीक है, अब उसकी हेल्प करने के बाद में पैट्रिक उससे प्रॉमिस लेता है कि मेरे स्कूल ख़त्म होने तक, मेरे स्कूल के 35 डेज जो बाकी है लास्ट एनुअल एग्ज़ाम तक, मेरा जितना भी होमवर्क है वो तुम करके दोगे। एल्फ इस बात के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन एल्फ को भी पढ़ाई लिखाई तो आती नहीं है। लेकिन फिर वो क्या करता है, वो ऐसे पैट्रिक से पूरी पढ़ाई करवाता है। एल्फ क्या करता है, जब उसे प्रॉब्लम होती है कुछ पढ़ने लिखने में, तो जैसे अगर उसको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो वो पैट्रिक को बोलता था कि जाओ लाइब्रेरी से डिक्शनरी लेकर के आओ। फिर हिस्ट्री के मीनिंग्स फाइंड करने के लिए वो बोलता था कि लाइब्रेरी से और बुक्स लेकर के आओ और इसके मीनिंग फाइंड करो। और फिर मैथ्स के सॉल्यूशन भी वो पैट्रिक को ही बोलता था कि तुम मुझे सॉल्व करके बताओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करके दूंगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा था कि पैट्रिक खुद ही अपना वर्क कर रहा था, बट उसे ऐसा लग रहा था कि वो एल्फ से काम करवा रहा है, जबकि उल्टा था, एल्फ पैट्रिक से पूरी मेहनत करवा रहा था। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे इस लेसन में क्या हुआ कि इसका नतीजा ये हुआ कि जब आखिरी दिन आ गया उसके एग्ज़ाम का, तो अब एल्फ के वापस जाने की बारी आ गई, और पैट्रिक जो है वो एल्फ के हेल्प से सारी चीज़ें करना सीख गया। मतलब एल्फ ने इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री सारी तैयारी उसे करवा ली, पैट्रिक से ही पूरी मेहनत करवाई। पैट्रिक रोज़ाना स्कूल जाने लगा, उसके टीचर्स उसका होमवर्क देख करके खुश होते थे, उसे अप्रिशिएट करने लगे, तो पैट्रिक को पढ़ने में और मज़ा आने लगा। जब उसका रिजल्ट आया तो उसका जो मार्क्स थे उसके बहुत अच्छे थे, उसको सभी में ए ग्रेड प्राप्त हुई, ए ग्रेड मिली उसे। तो उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स सभी बहुत खुश हुए। उसके पेरेंट्स तो सरप्राइज्ड रह गए, क्योंकि पैट्रिक में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ चुका था, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा बन चुका था, और अब वो बिल्कुल अच्छे से रहता था। आसपास के लोग पैट्रिक का एग्जाम्पल देने लगे अपने बच्चों को कि पैट्रिक के जैसे रहना शुरू करो। तो धीरे धीरे मतलब हुआ क्या कि पैट्रिक में अपने आप में बहुत सुधार आ गया। और ये किस वजह से हुआ, ये एल्फ की वजह से हुआ। एल्फ का जो जो बाहर का जो लुक है वो आप देख सकते हो कि उसने एक ट्राउज़र पहना हुआ है, ऊपर एक हैट लगी हुई है, ठीक है, वुलन उसने स्वेटर टाइप से शर्ट पहना हुआ है, तो इस तरह से वो एल्फ था। और
पैट्रिक को लग रहा था कि एल्फ ने उसकी हेल्प की है, जबकि एल्फ ने कुछ भी नहीं किया था। एल्फ खुद ही पैट्रिक से सारे काम करवा रहा था और जिस वजह से पैट्रिक खुद सारी चीज़ें सीख गया। तो क्या हुआ, इसका क्या निकला इसका निष्कर्ष कि हु डिड पैट्रिक होमवर्क? तो पैट्रिक ने खुद ही उसका होमवर्क किया था, बल्कि हमें ऐसा लग रहा था कि एल्फ कर रहा है। ठीक है, तो इस लेसन में ये बताया गया है। अब शॉर्टली इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लीजिए, मैं समझा दे रही हूँ आपको कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही थी? तो उसकी कैट जो है एक एल्फ के साथ खेल रही थी। सो व्हाट वाज इट रियली? पैट्रिक को लगा कि उसकी कैट जो है वो डॉल के साथ खेल रही है, लेकिन वो डॉल नहीं थी, वो रियल में एक एल्फ था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक विश? लिटिल मैन ने उसकी विश क्यों पूरी करी? तो पैट्रिक ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए पैट्रिक ने अपनी कैट से उसकी जान बचाई, इसलिए उस एल्फ ने उसकी विश पूरी करी। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? पैट्रिक की विश थी कि एल्फ जो है वो स्कूल का सेमेस्टर पूरा ख़त्म होने तक उसकी हेल्प करे, उसका होमवर्क करे। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन है इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? कौन से सब्जेक्ट में उसको होमवर्क में करने में मदद लग रही थी पैट्रिक की? तो हिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट में उसे हेल्प लग रही थी। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने कैसे हेल्प करी उसकी? तो एल्फ ने कहा पैट्रिक से कि वो जाए लाइब्रेरी में, वहाँ से डिक्शनरी लेकर के आए, वहाँ से बुक्स लेकर के आए, और फिर मैथ्स के जो सॉल्यूशन है, जो सम वगैरह है, वो सॉल्व करके बताए। ये सारी चीज़ें करके पैट्रिक ने उसकी हेल्प करी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है कि हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? आपको क्या लगता है कि क्या उसका होमवर्क किसने किया? तो हम समझ गए कि उसका होमवर्क जो है वो खुद पैट्रिक ने ही किया, लिटिल मैन उसने नहीं किया, क्योंकि उसके रीज़न भी हमारे पास हैं कि उसने सारी बुक्स बुलवाई, उसने सारी चीज़ें जो है वो पैट्रिक से ही करवाई। तो इस तरह से इसके ये क्वेश्चन आंसर्स भी शॉर्टली हम समझ चुके हैं। ठीक है, इस लेसन का आप अच्छे से रीड कीजिए तो आपको और ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।